हाँ जी मनोहर, कैसे हैं? क्या हो गया था? क्या किया? पहले तो सर मेरा गांठ हुआ था बाएं साइड में, कहाँ से आए हैं आप? बंगाल से आए हैं। बंगाल में क्या होता था? पहले गांठ जैसा हुआ था, उसके बाद मैं होम्योपैथी का दवा खाया था। होम्योपैथी? ओके। पक गया था, पूरा पक के निकल गया। उसके बाद होम्योपैथी का दवा एक महीना तक खाए, लेकिन ठीक नहीं हुआ। उसके बाद डर से हम भिलोर चले गए थे, सीएम से। कहाँ चला गया था? सीएमसी भिलोर। विलोर? ओके। वहाँ टेस्ट करवाए तो वहाँ बोले कुछ नहीं है, नॉर्मल एब्सेस है। क्या बोलते ये ऐसे चल जाएगा गर्म पानी का सेक लेने से। अच्छा, फोड़ा सूख गया लेकिन साइड से फिर पानी निकलने लगे। उसके बाद लोकल चांपसी को दिखाए थे, चांपसी सुबह मार के छेद कर दिया। उसके बाद मेरा डर लग गया, फिस्टुला नहीं था। और फिर इधर तो आपको लगता कि चांपसी ने सुबह मारा उससे फिस्टुला बन गया? पता नहीं सर कैसे हो गया। नहीं, आमतौर पे ऐसा नहीं होता। अंदर से ही कुछ ना कुछ जड़ होती है जो बाहर आ जाती है। हाँ, कई बार सुआ मारने से नॉर्मल जड़ की जगह एक आधी और नई जड़ बन जाती है, तब थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। पर अगर सही जगह पे सारी चीजें जाएं तो वो कम चांसेस होते हैं। बट यही है कि ब्लाइंडली सुआ मारेंगे, आप कहाँ कहाँ चले जाएगा कुछ पता नहीं, उस चक्कर में गड़बड़ हो जाता है। फिर क्या हुआ आगे? उसके बाद सर मैं रांची में 4 सूत्र करवाए थे। अच्छा, तो वहाँ ठीक होते होते फिर वैसे फुंसी निकल ठीक हो गया। उसके बाद 2-4 दिन बाद फिर फुंसी निकल गया। अच्छा, 400 कितनी बार करा था वहाँ सर? 5 5 ढका डाले थे। 5 बार? ऑलमोस्ट हर बार एक बार अच्छे से काट के ऑपरेशन ही होता था वो भी? हाँ, धागा खींच के बहुत दर्द होता था सर। मतलब जागते हुए करते थे सब? हाँ, इतना खराब लगता था सर, रात को तो सोने नहीं पाते थे। अच्छा, बहुत खराब लग रहा था। उसके बाद मैं तो पुलिस का काम करता था, एक तो सारा दिन सोए हुए रहते तो बहुत दिक्कत होता था। मतलब इतना पास, इतना गंदा, कोई लोग घर वाले भी पास में आने में परेशान होते होंगे। पूरा टेंशन में था घर वाला, क्या हुआ क्या नहीं। और इधर ज्वाइन भी नहीं कर पाता था, शरीर भी काफी कमजोर हो गया था मुझे बहुत याद है। सर इतना कम, मतलब 15-16 किलो कम हो गया। 16 किलो कम हो गया था। अभी वापस आ गया उतना क्या? अभी कितना है? हुआ बहुत, 7-8 किलो बढ़ गया? बढ़ गया। ओके। उसके बाद वीडियो देखे आपका, बहुत वीडियो देखे, बहुत पेशेंस से बात किए सर। अच्छा, विश्वास हो गया था पहली बार में कि डाउट थे मन में? आपका पहले वीडियो देखते तो सर पहले यहीं आ जाते, हम दूसरा जगह नहीं। लेकिन हम पता ही बाद में, मेरा एक मतलब पार्टनर पुलिस में काम करता है, वो भी बाकुड़ा का है, तो आपका वीडियो देखे हैं उसके साथ, तो दिन फोन लगे हैं। अच्छा, वो बाकुड़ा वाले आए थे? शांतनु जी। ठीक। तो बोला बाकुड़ा में तो आपके वो भी क्ले आर्ट का भी बहुत तो होता है ना? वहीं पोस्टिंग है बाकुड़ा। अच्छा, बाकुड़ा में? इंडिया में घर है जी, लेकिन बाकुड़ा में पोस्टिंग है। फिर उसको बात किए, बोला एकदम आग मूद के चले जाओ, बोले कोई टेंशन नहीं है एकदम। उसको क्या बोलते हैं वो जो आर्ट का बनाते हैं, मूर्ति वगैरह बनाते हैं? टारकोटा? हाँ सर, विष्णुपुर में होता है पाकुड़ा, विष्णु पाकुड़ा। तो उसके सजेशन लिया। फिर और पेशेंट, और झारखंड का लोहरदगा का एक पेशेंट का, उसका नाम था खालिद। खालिद बहुत अच्छा गाइड किया हमको, पूरा एकदम चले जाओ। भी मतलब जहाँ हम रांची में किए थे ना, वहीं किया था 4 सूत्र। अच्छा, बोला ये बेकार का है, बोले वहाँ चले जाओ एकदम ठीक हो जाएगा। फिर सर आपका यहाँ आए, बोले जो ऐसे ऐसे कितनी सीटिंग बोला था मैंने, आप तो 4-5-6 लिखे थे। उसके बाद सीटिंग के बाद बोले थे कोशिश करेंगे जल्दी होने का, लेकिन सर आपका ऐसे ऐसे ठीक हो गया, जल्दी ठीक हो गया आपका। हाँ, तो ठीक है। और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो पहले दर्द होता था उस टाइम पे जब दर्द वहाँ तो कर रहे थे, ज्वाइन कर लिए थे सर। हाँ, आपका पहले सेटिंग के बाद ही ज्वाइन कर लिया था? ज्वाइन कर लिए थे। उससे पहले कर रहे थे काम के बीच में छोड़ दिया था? पूरा छोड़ दिया था, पूरा टोटल छोड़ दिया था सर। नौकरी छोड़ने के चक्कर में छोड़ गया था, बहुत पनिशमेंट हुआ था। उधर से बोल रहा था पूरा पेमेंट सब बंद कर दिया था। अच्छा, बहुत झमेला था सर। अभी वापस हो गया सब? हाँ, सब चालू हो गया सर। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जॉब छोड़ के बैठ जाते हैं, या छूट जाती है, या परेशान इतने हो रहे होते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना जल्दी ठीक होगे। आपको भी ऐसा ही लगा होगा कि काम पे लग गए तो ध्यान भी हट गया और धीरे धीरे ठीक लेके। तो पहले आना सर, मैं तो बहुत पछताता हूँ, जो पहले आता था बहुत नसीब भरा होता है, जो पहले आता है। पहले जो आते हैं वो समझ नहीं पाते। हाँ, गाइड नहीं था, बाद में वीडियो देखा तब पता चला। ठीक है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जब तक
बिगड़ जाता है तब तब पता चलता है वो क्या हो गया, और वो अप्रिशिएट भी नहीं कर पाते लोग, इसको समझ नहीं पाते कि क्या है, और इस चक्कर में गड़बड़ होता है। कोई बात नहीं, आप हिंदी से ज्यादा बंगाली में कंफर्टेबल हो तो आप बंगाली में बोल, बंगला में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं हिंदी में ठीक है सर, ठीक है। हम लोग को तो बड़ार में घर है, अच्छा। मतलब रांची के एकदम बड़ार में आखिरी, बंगाल का एकदम आखिरी है, तो हम लोग अधिकतर झारखंड में आना जाना रहता है, झारखंड में ज्यादा रहता है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है मना, ठीक है सर। ओके, आपसे कोई बात करना चाहते हो आप नंबर दे पाएंगे अपना? हाँ सर, बता दीजिए प्लीज। 7908711021। ठीक है, ठीक है। कुछ संदेश देना चाहते हैं जो लोग इस बीमारी से परेशान हैं उनको? मतलब देखो, यहाँ आए या वहाँ जाएं, ये सब तो चलो हर एक की लक है कोई, बट क्या तो नहीं करना चाहिए? ये बीमारी बहुत खतरनाक है, और हम कोशिश करते हैं तो जो भी ट्रीटमेंट करें सही जगह करें, मतलब एकदम इधर उधर हम लोग तो लोकल में कर देते हैं, फिर बाद में पछताना पड़ता है, इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसको लाइटली लेते हैं और समझते हैं कि बलंदर ही तो है। मतलब इसको हल्का में एकदम नहीं रहे, बहुत गंभीर बीमारी है, हमको जहां तक एहसास हुआ इसके बारे में, मतलब था या आपका भी काफी खराब हो चुका था जब तक मेरे पास पहुंचे, बहुत खराब बीमारी है, इसलिए बोले सही जगह में आप सर है एकदम आग मुस्का, मतलब क्या बोलते सर। चलो वो तो ठीक है, जो मैं कर सकता हूँ मैं करूंगा, बट बाकी कोई क्या गलतियां ना करे, तो क्या ख्याल रखना। रिव्यू देखे सर आपका, इतना रिव्यू देखे, मतलब दिन भर दिखते रहते थे। अच्छा, मतलब ठीक है, कभी सोच में आता होगा कि मैं भी ऐसे ठीक होकर बताऊंगा। हाँ, सर ऐसे मैं तो सोचा था कि यूट्यूब में कब आएगा कब आएगा, तो चलिए सर आशीर्वाद में आपका पास लिख है, ठीक हो गया और जल्दी ठीक हो गया, मैं बहुत खुश हूँ आपकी रिकवरी से। एंड बस आगे का ध्यान, मैंने 2-3 प्रिकॉशन हमेशा ही बताता हूँ सबके लिए, सेम आपके लिए, बहुत ज्यादा तीखा नहीं खाना, बहुत ज्यादा नॉनवेज नहीं खाना। नॉनवेज का मतलब ये नहीं है कि नॉनवेज से ही मना है, प्रोटीन इन एनी फॉर्म, जब भी आप ज्यादा पनीर या ज्यादा सोया वोया भी खा लोगे तो भी कब्ज हो सकती है, तो उससे हालांकि अब आपको होने का चांस बिल्कुल नहीं है, बट फिर भी इंजरी तो हो सकती है। अच्छा, अच्छा। और ये होती क्यों है? इंजरी से होती है, चोट से शुरू होती है, तो अगर हम इंजरी होने ही नहीं देंगे तो ये बीमारी नहीं आएगी। अच्छा, ठीक है। और बाकी थोड़ा केयर करनी है, नॉर्मल अपना नारियल तेल जैसे मैंने बताया, अच्छा, वो फॉलो करना, ठीक है। कुछ और जानकारी आप चाहिए मेरे से तो मैं बता देता हूँ। अच्छा, कुछ है मन में कोई डाउट, कुछ पूछना किसी बारे में? मतलब वही डाउट था, बाइक में थोड़ा सा, बाइक चलाओ, अच्छे से चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत खिंचाव महसूस हो सकता है, उस पे ध्यान नहीं देना, और नारियल तेल लगाना, चंदनार जैसा लग रहा था। हाँ, वंस इन अ वाइल वो रहेगा, जब नया टिश्यू आता है हील होके, तो थोड़ा सा जैसे स्कार होता है कहीं भी चोट लगती है तो थोड़ा सा सख्त होता है, धीरे धीरे नरम पड़ता है, वो उस पूरा नरम पड़ने में किसी को 4-6 महीने लगते हैं, किसी को साल लग जाता है, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, उस पे सिर्फ नारियल तेल लगाना, ठीक है। और कुछ? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।